हेलो गाइस, क्या चल रहा है? सभी लोगों का, आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकटॉक विद सलीम। और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स के ऐलान हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किए, फिर इंग्लैंड ने किए, फिर इंडिया ने किए, और छोटी टीमें भी अनाउंस कर रही हैं। आज जो है वो वेस्ट इंडीज अपने स्क्वाड का ऐलान करेगी, और तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो आज या कल एक्सपेक्टेड है, बिकॉज 15 तारीख जो है वो लास्ट डेडलाइन है आपकी। कौन से प्लेयर जो प्लेयर हैं वो शामिल होने जा रहे हैं, कौन से आउट होने जा रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी शर्जील खान और शोएब मलिक की वापसी हो रही है। देखें, कभी भी नहीं हो सकती। रीजन ये है कि कल को फिर कोई भी ब्लैकमेल करके, यानी इस तरह के स्टेटमेंट देके जो है पीसीबी जो है मजबूरन उनको उठा सकती है। शोएब मलिक को इतना, उनकी जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक यूएई या हमारे पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर जो है वो ठीक है, लेकिन अब जो ये अपना पाकिस्तान का T20 जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस शोएब मलिक की कोई इतनी खास नहीं रही है। अगर आप उनके स्टेट्स जो है वो उठा के देख लें तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। प्लस दूसरी बात यह है कि फ्यूचर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल खेलेंगे, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो फिट तो है, लेकिन यह है कि वो मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकते मेरे ख्याल में। दूसरा, इन्होंने जो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तानी बोर्ड के खिलाफ, आई मीन ये बोर्ड के खिलाफ ही है, मैनेजमेंट के खिलाफ ही है, कि भाई आप टीम के अंदर यारी दोस्तियां कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो भी देता है, आप समझे उसका जो पत्ता है वो कट जाता है, चाहे वो कितना ही परफॉर्मेंस क्यों ना दे। दूसरी बात शर्जील खान की है, शर्जील खान भी वापस नहीं आ सकते, उनके फिटनेस के इश्यूज हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली उसने कल परसों कोई सेंचुरी मारी है डोमेस्टिक लीग के अंदर, पर बात यह है कि आप कोई 5-6 चांसेस उसको मिले हैं फिर जाके उसने सेंचुरी बनाई है। अगर आप इस तरह चांस देंगे किसी भी प्लेयर को, तो आई थिंक कोई भी प्लेयर होगा वो सेंचुरी बनाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा। तो उसमें शर्जील खान का इतना बड़ा कमाल नहीं था, बट ये है कि उनका ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान 2015 गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो वहाँ पे शर्जील खान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन उस वक्त थोड़े फिट थे, यंग थे। अब आई थिंक उसकी फिटनेस थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो शर्जील खान को कभी भी पीसीबी जो है कंसीडर इन माय ओपिनियन नहीं करेगी। अच्छा, इसके अलावा ये दो प्लेयर जिनके बारे में बात हो रही है कि ये वापस आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। आई मीन आ सकते हैं, बट ये है कि मेरे ओपिनियन में नहीं आ सकते। और दूसरी बात ये है कि कौन से बाहर होने जा रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान कभी भी अपना जो ये चलता आ रहा है कम्बिनेशन, इसके साथ अभी फिलहाल जाएगी, जिन्होंने इतने टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ये खुशदशा, आसिफ अली, इफ्तिखार। इफ्तिखार इसलिए क्योंकि इफ्तिखार वैसे भी एज्ड प्लेयर है, बट उसको ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम उसने अच्छा खेला था, इसलिए जो है वो हार्ड हिटर है। इफ्तिखार अहमद वो टीम के साथ जाएंगे। खुशदिल शाह के ऊपर थोड़ा डाउट था, लेकिन बट ये है कि आई थिंक खुशदिल शाह भी जो है वो जा रहे हैं टीम के साथ। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम जो है अब कौन सी T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलेगी? देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ चेंजेस हो सकते हैं, और जो हैदर अली है, आपके ख्याल में उसको क्यों नहीं चांस दिया गया? क्योंकि हैदर अली, मोहम्मद हारिस, इन सबको इंग्लैंड के खिलाफ चांस देना था, और ये इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 जो सीरीज़ है वो खेलेंगे। अच्छा जी, शाहिन शाह आफरीदी वापस आ जाएंगे, और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर टीम के साथ वापस आएंगे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे वो बैटिंग करते हैं, वो भी वापस आएंगे। तो ये तीन प्लेयर जो है पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आ जाएंगे। अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो रिजवान है, बाबर है, इफ्तिखार है, हैदर है, मोहम्मद हारिस है, खुशदिल शाह है, आसिफ अली है, मोहम्मद नवाज़ है, और शादाब खान है, हारिस रऊफ है, शाहनवाज दानी है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, शाहिन शाह आफरीदी हैं, और एक और प्लेयर है जिनका मैं अभी नाम, खुशदिल शाह और इफ्तिखार, आई थिंक इफ्तिखार मैंने नाम नहीं लिया मैं भी, तो इनमें से एक प्लेयर है। 15 प्लेयर का स्क्वाड जाएगा और यही प्लेयर खेलेंगे। इन माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि ये तीन प्लेयर जो है वो टीम के अंदर कमबैक कर रहे हैं, शाहिन शाह आफरीदी, मोहम्मद हारिस और जो है वो वसीम जूनियर। और मोहम्मद हसनैन भी टीम के साथ रहेंगे, उसकी रीज़न ये है कि उसका BBL में उसका अच्छा वहाँ पे उसने परफॉर्म किया है, और मोहम्मद हसनैन जो है वो टीम के साथ रहेंगे। हैदर अली भी टीम के साथ जाएंगे। बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाला, कोई बाहर से नहीं आने वाला, बिकॉज पाकिस्तान कभी भी अपने इस जो कम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सिर्फ एशिया कप के 1-2 मैचेस के लिए। बाकी ये कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनको मुश्किल ज़रूर होगा, उसके लिए उन्होंने प्रिपेयर किस तरह करना है वो तो खैर देखने वाला है। इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें बाउंड्रीज बड़ी करें। हम अक्सर छोटी बाउंड्रीज करते हैं ताकि लोग इंटरटेन करें, हर बॉल पर छक्का लगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने जो है वो बड़ी बाउंड्रीज बनानी है, स्पेशली कराची की बाउंड्री तो आप बहुत छोटी कर देते हैं,
ताकि लोग इंटरटेन करें, हर बॉल पे छक्का लगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहाँ पे वैसे भी छोटी बाउंड्रीज हैं, तो आई थिंक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस करनी चाहिए पाकिस्तान टीम को वो है बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर खेलना। तो लेट्स सी किस तरह परफॉर्म करता है। आपके ओपिनियन में कौन से खिलाड़ी को टीम के अंदर होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। हाँ, फ़खर जमान का नाम मैं भूल गया था। फ़खर जमान जो है वो ऑब्वियसली टीम के साथ होंगे। फ़खर जमान नहीं हो रहे बाहर, ऐसा नहीं कि मोस्ट सीनियर प्लेयर है, एक दो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप उसको बाहर कर दें। उसकी जो है वो ऊपर नीचे उसकी बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा ज़रूर यू नो एक है प्रॉब्लम, आई थिंक वो सॉल्व कर लेगा, बट ये है कि फ़खर जमान जो है टीम का पार्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल, बाय।